ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक बंदा ट्रेन से ट्रैवल किया करता था, रोजाना अप डाउन करता था, अपने ऑफिस जाता था ट्रेन से, और रोजाना कुछ ना कुछ सीखता था कि आज मैंने अपनी जर्नी में क्या सीखा। एक दिन वो निकला हुआ था ऑफिस के लिए, ट्रेन में बैठा हुआ था, उसके सामने एक फैमिली थी, एक लड़का पानी बेचते हुए वहां से निकला, तो उसके सामने वाली फैमिली थी उनमें से किसी ने, एक भाई साहब ने बोला कि बेटा पानी की बोतल कितने की दी? लड़के ने बोला कि 20 रुपए की दी। तो भाई साहब जिद बहस करने लगे कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? वो लड़का जो पानी बेच रहा था कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे चला गया। इस बंदे को लगा कि सीखने को तो कुछ मिलेगा, फटाफट से उस लड़के के पीछे गया और जाकर के पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुमने उन भाई साहब से बहस क्यों नहीं की? कुछ तो बोलते कि गरीब आदमी हो, मुझे 2-5 रुपए कमाने दो। उस लड़के ने बोला कि उनको भाई साहब पानी पीना ही नहीं था। तो इसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता पानी नहीं पीना था? तो उसने बोला कि अगर उन्हें प्यास लगी होती तो पहले वो बॉटल लेते, पानी पीते, उसके बाद में रेट पूछते और पैसे दे देते। जिसको पानी नहीं पीना होता है वो फालतू के वाद विवाद में पड़ता है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में गोल क्लियर कीजिए, फिर आप किसी भी वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो रोजाना मंदिर जाया करती थी। उनका रूटीन था कि वो मंदिर पहुंचती थी, पूजा करती थी। एक दिन जाकर के पुजारी जी से बोली कि मुझे समझ में नहीं आता है लोग यहाँ आकर के पाखंड क्यों करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं, पूजा कम करते हैं, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, 50 बातें उन्होंने गिना दी। पंडित जी ने कहा एक काम कीजिएगा, कल आप घर से जब आए तो एक लोटा पानी लेकर के आइएगा, उस लोटे को पूरा जल से ऊपर तक भरिएगा, ध्यान रखना कि छलकने ना पाए, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा लगाना, उसके बाद मुझसे बात करना। महिला ने वही किया, मंदिर आई, 3 बार परिक्रमा की, उसके बाद में जाकर के पंडित जी से पूछा कि आप बताइए क्या बात है। तो पुजारी जी ने पूछा कि क्या आज आपने किसी को बात करते हुए देखा, क्या आज आपने किसी को मोबाइल में लगते हुए देखा, क्या आज आपने किसी को गपशप करते हुए देखा? तो महिला ने कहा नहीं। तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं देखा? क्योंकि आज आपका सारा ध्यान उस लोटे के जल पर था कि कहीं वो छलक ना जाए। सारा ध्यान ऊपर वाले में लगाइए, आपकी भक्ति में शक्ति बढ़ जाएगी। छोटी सी कहानी कॉन्सेंट्रेशन सिखाती है, कॉन्सेंट्रेशन इज द की, यही आपको आगे लेकर जाएगा। एक बार एक सन्यासी पानी पर चलने की तपस्या कर रहे थे। वो नदी के इस पार रहते थे, उस पार उनका एक भक्त परिवार रहता था। उस भक्त परिवार में से कोई ना कोई गाय का दूध लेकर के हर शाम वहां पहुंचता था। एक बार माँ ने बेटी से कहा कि बेटिया पापा तो शहर गए हैं, तुम जाकर के गाय का दूध वहां पहुंचा दो, लेकिन बाबा जी से कहना कि बाबा जी बारिश हो सकती है, नदी में पानी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। लड़की ने जाकर के बात बाबा जी को बताई तो बाबा जी ने कहा बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम पानी पर चलते चलते नदी पार करके यहां तक आ जाओगी। अगली शाम में लड़की पहुंची नदी के इस पार और उस पार जाने के लिए तैयार थी। मंत्र याद किया, मंत्र पढ़ते पढ़ते चमत्कार हो गया, पानी पर चलते चलते उस तरफ चली गई। बाबा जी देख करके चौंक गए, उनको लगा कि सिद्धि प्राप्त हो गई है, लड़की तो वापस चली गई। अब बाबा जी ने कोशिश करी पानी पर चलने की, वो जैसे ही पानी के पास गए, पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए, क्योंकि बाबा जी को खुद के मंत्र पर भरोसा नहीं था, लड़की ने विश्वास किया था। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है अगर उसमें विश्वास है।